काफी वायरल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वो मेरी दोस्त है, पारस भी मेरा दोस्त है अब, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी मेरे वन लाइनर सुपर हिट हो जाते हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने कहा घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खा रहे चमनप्रास, तो पारस अंदर बोलते जा सी विच इज रॉन्ग यार। अभी किसी ने लड़की ने तुझे सपोर्ट किया तो एज ए मैन उसको ये बोलना चाहिए कि भाई वो मेरी दोस्त है और मैं उसको लाइक करता हूँ, लेकिन अभी इस घर में मुझे ये लड़की अच्छी लगती है, मैं दोनों का रिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों मेरी दोस्त है, आप मेरी पर्सनल मैटर में ना बोलिए, ख़त्म हो जाती है बात। लेकिन बच्चा है अभी, खेल रहा है, खेलने दो। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी बिकॉज आई नो द गेम। गेम खत्म होता है, सब अपने अपने घर जाते, रात को पार्टी में सलमान भाई के फार्म पे हम सब मिलते, पार्टी करते और एक दूसरे को बोलते अरे तूने ये किया, तूने ये किया, और यहाँ ऑडियंस बेचारी लड़ रही है, रो रही है और मर रही है। दोनों साथ में बिठा के आप लोगों को मैं वीडियो दूंगा, दोनों मेरे दोस्त है, एक छोटा भाई है, एक दोस्त है मेरा, सिद्धार्थ भी बहुत अच्छा लड़का और आसिम भी, ये दोनों का वीडियो एजाज खान देगा आपको, ये वादा है, साथ में धर्मवीर की जोड़ी के जैसा। आप लोग आपस में मत लड़िए, जो जीतेगा ट्रॉफी अपने घर लेके जाएगा। मेरे भाई तेरा तो पैसा ही जाने वाला ना, वोट कर करके इंटरनेट का पैसा, साले मम्मी डैडी इतना मुश्किल से कमाते, मेहनत करते, दिन भर मेहनत करते, और तुम लोग साला इंटरनेट पे पैसा खराब कर रहे हो मम्मी डैडी का, तुम में साले तुम पागल, माँ बाप की हाय लगेगी तुम लोगों को। ये जीबी कौन लाता रहे, तुम्हारे पप्पा मेहनत करते स्कूल में जाके, वहाँ पे कॉलेजों में जाके पढ़ा रहे, कोई जाके क्या कर रहा है, कोई तुम्हारे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे और तुम लोग साला क्या कर रहे हो। हाँ मेरे भाई हिंदुस्तान क्या हो रहा है, करो भाई लेकिन थोड़ा लिमिट में बाबा, कुछ वर्ड बोल दे तो ट्रेंडिंग, कुछ ये हो रहा है तो ट्रेंडिंग, 50 मिलियन ट्रेंडिंग, उसका 10 मिलियन ट्रेंडिंग, इसका ये अभी यही रह गया भाई, देश में बच्चे भूखे मर रहे, पानी नहीं आ रहा है, जल रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, गोलियां चल रही है, तुम बिग बॉस देखो। हाँ भाई एक नंबर। देखो मैं ये कह दूं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कि जब एलिट क्लब का मेंबर असीम को बनाया गया सबसे पहले, तो उसके कमरे में एक सिर्फ कमरा था और एक पानी की बोतल थी और कुछ था नहीं। जब सिद्धार्थ को बनाया गया एलिट क्लब का मेंबर तो ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, खाना, ये सब, तो ये अब ये दोनों मेरे को बता दो, जस्टिफाई कर दो कि इसका क्या प्रॉब्लम है। अरे मैंने अली को धक्का मारा तो मुझे निष्कासित कर दिया, सिद्धार्थ ने तो धक्के की हद ही कर दी, मतलब सिद्धार्थ ने तो धक्का ट्रेन चला दिया बिग बॉस के अंदर, तो धक्का ट्रेन का बिग बॉस क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं आने वाले जमाने में। नहीं मैं कौन होता उसको बायस करने वाला यार, मैं तो ये कहूँगा कि आप क्या एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं आगे आने वाले कंटेस्टेंट के लिए, कि गाली दो माँ बाप की, धक्का मारो, फेंक दो, हाथ तोड़ दो, उंगली तोड़ दो, सब चलेगा, शो चलना चाहिए, टीआरपी आनी चाहिए। मैं सिद्धार्थ को और शहनाज को और असीम को लाइक करता हूँ, लेकिन मैं असीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो मैं इसलिए कह दूँ सिद्धार्थ के फैन से कि सिद्धार्थ मेरा बचपन का दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिद्धार्थ का तुम्हें नाम भी बताता हूँ, उसका निक नेम मॉन्टी है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो इस पर भी ट्रेंड कर सकते हो तुम, मॉन्टी मेरी जान, तो इस पर भी ट्रेंड कर लेना। बिंदु दारा सिंह मेरा भाई, बिंदु ऐसा प्यार कर रहा है सिद्धार्थ से कि मतलब ऐसा प्यार दुनिया में किसी को मिल गया तो मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी को, जैसे अगर मैं असीम को लाइक करता हूँ और अगर मैं सिद्धार्थ को कुछ नाम दे के गंदी बात बोलूँ, मैं अगर कुछ ऐसा क्रिटिसाइज करूँ विच इज़ पर्सनल, इट्स नॉट फेयर। मतलब अगर मैं सिद्धार्थ का फ़ैन हूँ, सिद्धार्थ को लाइक करता हूँ, तो मैं ये नहीं लूँगा कि सिद्धार्थ किसी को ये कहे कि तेरे बाप, और ना मैं असीम से ये लूँगा कि असीम किसी को कहे कि तेरी माँ तेरा बाप, यू नो लीव देम अपार्ट। और किसी को अगर तुम फॉलो कर रहे हो, उसको लाइक कर रहे हो, तो पॉजिटिवली उसको सपोर्ट करो। अगर तुम किसी एक को बोलोगे चूसलेट, ये लेट, ऐसा वैसा, भिखारी, तो इट्स नॉट नाइस। आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, मैं सिद्धार्थ को कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है, बट मुझे ऐसा लगता है कि असीम नीड बी मोर देन सिद्धार्थ।
बिकॉज सिद्धार्थ को तो बिंदु दारा सिंह है ना यार, मतलब दारा सिंह के बेटे है, उसके साथ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, फिट है तो हिट है, यू नो, फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया, एंड फिटनेस इज लाइफ। इफ यू वांट टू लुक गुड यू हैव टू वेयर नाइस क्लोथ्स, यू वांट टू लाइक सी फिटनेस इज लाइफ फॉर मी बिकॉज आई बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एक्टर ऑल्सो, तो एक्टर का तो एक जिम्मेदारी वैसे ही हो जाता है। बट इवन यू आर नॉट एन एक्टर नाउ डॉक्टर इज सजेशन दैट प्लीज वर्कआउट, क्योंकि आप मोटे रहते हो, आप हेल्दी नहीं खाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत सारी बीमारियां आती है। सो इफ़ यू हिट, यू ईटिंग क्लीन, यू ट्रेनिंग वेल, आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, तो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे दिखाई देता है। तो अच्छा खाने के साथ ही ये कॉम्बिनेशन है, इट्स नॉट ओनली वन थिंग कि आप सिर्फ जिम जा रहे हो, डंबल उठा रहे हो या सिर्फ भाग रहे हो, आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो कि नहीं, आप खाना ठीक से खा रहे हो कि नहीं, आप ठीक से सो रहे हो कि नहीं, तो अगर एक भी चेन मिस होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप अच्छे से ट्रेन करिए, फिर अच्छे से खाइए, उसके बाद फिर अच्छे से सोइए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लॉन्ग टर्म से होता है। इट्स नॉट दैट यू ट्रेनिंग टुडे एंड छः महीने में आपकी बॉडी, आजकल लोग स्टेरॉइड्स एंड ऑल दिस यूजिंग, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज आज हमको वर्कआउट करते करते 20 साल हो गए। सो इट्स अ प्रोसेस, तुम्हारा मसल मैच्योर होता है, तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ता है, वो प्रोसेस के साथ बढ़ता है। तो यू हैव टू कीप डूइंग इट कंटिन्यूसली, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अ डेली लाइफ आई सी, आई प्ले विथ माई डॉग, आई प्ले विथ माई सन, आई गो टू वर्कआउट, आई एम अ बॉडी बिल्डर, सो आई ईट क्लीन, आई मेक श्योर आई ट्रेन हार्ड, एंड आई लाइक माई सिक्स पैक, सो आई नेवर वॉन्ट टू लूज इट, यू नो। सो इट्स लाइक दैट, मेरा तो खेल ही अलग है, मैं इसी में प्रॉपर तरीके से बिगिनिंग से हूँ। सो माई फिटनेस मंत्रा इज ईट वेल, क्लीन, वर्कआउट एंड स्लीप, सो ये बहुत ज़रूरी है। मैं सिद्धार्थ को और शहनाज को और असीम को लाइक करता हूँ, लेकिन मैं असीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो मैं इसलिए कह दूँ सिद्धार्थ के फैन से कि सिद्धार्थ मेरा बचपन का दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिद्धार्थ का तुम्हें नाम भी बताता हूँ, उसका निकनेम मॉन्टी है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो इस पर भी ट्रेंड कर सकते हो तुम, मॉन्टी मेरी जान, तो इस पर भी ट्रेंड कर लेना। बिंदु दारा सिंह मेरा भाई, बिंदु ऐसा प्यार कर रहा है सिद्धार्थ से कि मतलब ऐसा प्यार दुनिया में किसी को मिल गया तो मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी को, जैसे अगर मैं असीम को लाइक करता हूँ और अगर मैं सिद्धार्थ को कुछ नाम दे के गंदी बात बोलूँ, मैं अगर कुछ ऐसा क्रिटिसाइज करूँ विच इज़ पर्सनल, इट्स नॉट फेयर। मतलब अगर मैं सिद्धार्थ का फ़ैन हूँ, सिद्धार्थ को लाइक करता हूँ, तो मैं ये नहीं लूँगा कि सिद्धार्थ किसी को ये कहे कि तेरे बाप, और ना मैं असीम से ये लूँगा कि असीम किसी को कहे कि तेरी माँ तेरा बाप, यू नो, लीव देम अपार्ट। और किसी को अगर तुम फॉलो कर रहे हो, उसको लाइक कर रहे हो, तो पॉजिटिवली उसको सपोर्ट करो। अगर तुम किसी एक को बोलोगे चूसलेट, ये लेट, ऐसा वैसा, भिखारी, तो इट्स नॉट नाइस। आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, मैं सिद्धार्थ को कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है, बट मुझे ऐसा लगता है कि असीम नीड मी मोर देन सिद्धार्थ, बिकॉज सिद्धार्थ को तो बिंदु दारा सिंह है ना यार, मतलब दारा सिंह के बेटे है, उसके साथ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो देखो मैं ये कह दूँ क्यों मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कि जब एलिट क्लब का मेंबर असीम को बनाया गया सबसे पहले, तो उसके कमरे में एक सिर्फ कमरा था और एक पानी की बोतल थी और कुछ था नहीं। जब सिद्धार्थ को बनाया गया एलिट क्लब का मेंबर, तो ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, खाना, ये सब, तो ये अब ये दोनों मेरे को बता दो, जस्टिफाई कर दो कि इसका क्या प्रॉब्लम है। अरे मैंने अली को धक्का मारा तो मुझे निष्कासित कर दिया। सिद्धार्थ ने तो धक्के की हद ही कर दी, मतलब सिद्धार्थ ने तो धक्का ट्रेन चला दिया बिग बॉस के अंदर। तो धक्का ट्रेन का बिग बॉस क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं आने वाले जमाने में। नहीं मैं कौन होता उसको बायस करने वाला यार, मैं तो ये कहूंगा कि आप क्या एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं आगे आने वाले कंटेस्टेंट के लिए।
कि गाली दो माँ बाप की, धक्का मारो, फेंक दो, हाथ तोड़ दो, उंगली तोड़ दो, सब चलेगा। शो चलना चाहिए, टीआरपी आनी चाहिए। अरे वो मेरी दोस्त है, पारस भी मेरा दोस्त है अब, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी, मेरे वन लाइनर सुपर हिट हो जाते हैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने कहा घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खा रहे चमनप्रास, तो पारस अंदर बोलते जा, बोला है कि विच इज रॉन्ग यार। अभी किसी ने, लड़की ने तुझे सपोर्ट किया तो एज ए मैन उसको ये बोलना चाहिए कि भाई वो मेरी दोस्त है और मैं उसको लाइक करता हूँ, लेकिन अभी इस घर में मुझे ये लड़की अच्छी लगती है, मैं दोनों का रिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों मेरी दोस्त है, आप मेरी पर्सनल मैटर में ना बोलिए, ख़त्म हो जाती है बात। लेकिन बच्चा है अभी, खेल रहा है, खेलने दो। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी बिकॉज आई नो द गेम। गेम ख़त्म होता है, सब अपने अपने घर जाते, रात को पार्टी में सलमान भाई के फार्म पर हम सब मिलते, पार्टी करते और एक दूसरे को बोलते अरे तूने ये किया, तूने ये किया, और यहाँ ऑडियंस बेचारी लड़ रही है, रो रही है और मर रही है। दोनों साथ में बिठा के आप लोगों को मैं वीडियो दूंगा, दोनों दोनों मेरे दोस्त है, एक छोटा भाई है, एक दोस्त है मेरा, सिद्धार्थ भी बहुत अच्छा लड़का और आसिम भी, ये दोनों का वीडियो एजाज खान देगा आपको, ये वादा है, साथ में धर्मवीर की जोड़ी के जैसा। आप लोग आपस में मत लड़िए, जो जीतेगा ट्रॉफी अपने घर लेके जाएगा। मेरे भाई तेरा तो पैसा ही जाने वाला ना, वोट कर करके इंटरनेट का पैसा, साले मम्मी डैडी इतना मुश्किल से कमाते, मेहनत करते, दिन भर मेहनत करते, और तुम लोग साला इंटरनेट पे पैसा खराब कर रहे हो मम्मी डैडी का, तुम में साले तुम पागल, माँ बाप की हाई लगेगी तुम लोगों को। ये जीबी कौन लाता रहे, तुम्हारे पप्पा मेहनत करते हैं स्कूल में जाके, वहाँ पे कॉलेजों में जाके पढ़ा रहे, कोई जाके क्या कर रहा है, कोई तुम्हारे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे और तुम लोग साला क्या कर रहे हो। हाँ मेरे भाई, हिंदुस्तान क्या हो रहा है, करो भाई लेकिन थोड़ा लिमिट में बाबा, कुछ वर्ड बोल दे तो ट्रेंडिंग, कुछ ये हो रहा है तो ट्रेंडिंग, 50 मिलियन ट्रेंडिंग, उसका 10 मिलियन ट्रेंडिंग, इसका ये अभी यही रह गया भाई। देश में बच्चे भूखे मर रहे, पानी नहीं आ रहा है, जल रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, गोलियां चल रही है, तुम बिग बॉस देखो। हाँ भाई एक नंबर।